नमस्कार, न्यूज ना नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कैंसर का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, वही कैंसर जो जिंदगी छीन लेती है। आपको बता दें कि 4 फरवरी को इसका कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और कैंसर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। उसी सिलसिले में कैंसर जागरूकता अभियान के तहत सिवान के सदर अस्पताल में इससे के प्रति कार्यक्रम किया गया। आइए जानते हैं तमाम बड़े डॉक्टर्स और सिविल सर्जन के माध्यम से कि इसके पहले लक्षण क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है। पेश है खास रिपोर्ट। हर 4 फरवरी को हर एक साल मनाया जाता है। हम लगता है शायद पहली बार इसको 1933 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था और ये अवेयरनेस और क्रिएट करने के लिए है, एजुकेट करने के लिए है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी संभव है। बेसिकली उसी के अवेयरनेस के लिए थे। करीबन हर साल 80 लाख लोग कैंसर के कारण उनका डेथ होता है, जिसमें अर्ली एज में, कम उम्र में उन लोग करीब 45 लाख लोग का डेथ हो जाता है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करके इस रेट को कम करने का और इसकी गति को धीरे करने का ये अवेयरनेस कैंपेन है, जो 2025 तक लक्ष्य है कि कम एज वाले जो डेथ्स हैं उनके नंबर्स को रिड्यूस कर दिया जाए। उस प्रोपोर्शन में वो ना बढ़े जिस प्रोपोर्शन में भी बढ़ रहा है। अर्ली डिटेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोल है। अर्ली डिटेक्शन होने पे बहुत चांसेस रहते हैं सर्वाइवल के, और एक्सपीरियंसेस है हम लोग का, हर घर में एक्सपीरियंसेस है। हमको पता है कुछ लोग जो 20 साल से उनको पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, दे आर स्टिल गोइंग स्ट्रांग, अच्छे से उनका जीवन निर्वाह हो रहा है। तो अर्ली डिटेक्शन पे ही की है। सिवान शुड बी थैंकफुल कि सिवान को एक सेंटर यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन का सेंटर मिला है, जहाँ पर ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डिटेक्शन अर्ली लक्षण को अगर आदमी यहाँ पहचान ले तो उसके एडवांस ट्रीटमेंट के लिए मुजफ्फरपुर का सेंटर भी जो है वहाँ भेजा जा सके। ड्रग्स वही है, जिस्ट वही है, अर्ली डिटेक्शन और एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ कैंसर। थैंक यू। और जैसा संक्षिप्त ही मुख्य बातें बता दी, अर्ली डिटेक्शन ही बिंदु है। कैंसर दिवस को इसका उद्घाटन किया गया है सिवान के केंद्र का, और हम बहुत पहले शुरू में ही कैंसर की पहचान कर लेंगे ताकि उसका समुचित इलाज हो सके, बढ़ोतरी नहीं हो और उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो। ये बड़ा सराहनीय प्रयास राज्य सरकार भूमि आवाज कैंसर PMS समूह का सम्मिलित है। हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं पूरे सिवान की जनता और स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से। एक ऐसा अवसर है जिसकी चाहत हम लोगों को बहुत दिनों से थी। मैं पिछले 3 साल से यह प्रयास कर रहा था कि महीने में एक दिन कैंसर स्क्रीनिंग की काम हो। इसके लिए पटना में पारस हॉस्पिटल को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था।